आठ, बारह, तेरह, सोलह, अठारह, बीस। ठीक है, मरोल के माधव का 5,000, चाय वाले का 5,000, मटन दुकान वाले का 10,000, सब मिल गया। तेरा इंटरेस्ट कहाँ है बे? क्या जीजा जी, आधी रात को आप मुझे फोन करके कहते हैं कि लोग इंटरेस्ट देने से मना कर रहे हैं, और मैं उनके पास जाके उनकी पिटाई करके आपका इंटरेस्ट लेकर आता हूँ, और आप मुझसे मेरा इंटरेस्ट मांग रहे हैं? जीजा जी, मैं आपका साला हूँ। साला है तो घर आ, बादाम का दूध पिलाऊंगा, लेकिन मैं बिजनेस को बिजनेस ही रखता हूँ। ज्यादा बात मत कर, मनी ला मनी मनी। क्या जीजा जी, मैंने अपनी बहन की शादी आपसे करवाने के लिए आपसे 50,000 रुपए का कर्जा लिया, और अब तक उस पैसे के बदले मैं 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट दे चुका हूँ। ये गलत बात है, मैंने अब तक ना जाने आपके लिए क्या क्या किया है। अरे हमारे रिश्ते की तो कदर कीजिए। उस सोने जैसे रिश्ते की कदर करके मैंने तुम्हारी बहन को 2 बच्चे दिए हैं साले साहब जी। लेकिन जीजा जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलेगा, मेरे इंटरेस्ट के अभी पैसे दे। ये तुमसे तुम्हारी बहन का पति ही मांग रहा है। ठीक है, मेरी बहन के पति मंजुनाथ, प्यारे जीजा जी, गधे के दिन आते हैं तो घोड़े के भी आएंगे, ये लीजिए। ये मुझे गधा कह गया या घोड़ा? मैं दोनों नहीं हूं, मैं शेर हूं। मुंबई जाकर ब्यूटी पार्लर खोलना ही मेरी जिंदगी का एम, सपना और इच्छा है, और इसके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, ये तुम्हें भी पता है। मैं अगर अपने बारे में सोचती तो कब का चली जाती, लेकिन तुमने आकर कहा 3 महीने का टाइम चाहिए और 5,00,000 रुपए मैं रेडी करके रखूंगा। वो क्या हुआ कि? मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम ही सब कुछ हो। मेरे साथ मुंबई आओगे, मेरे बच्चों के पापा बनोगे, ये सब सोचा था, लेकिन ये सब कुछ झूठ लग रहा है अब। नहीं आयुषु, भरोसा करो, सब अरेंज हो जाएगा। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, चुपचाप सुनो। तुम्हारी बात सुनकर मैंने 3 महीने वेट किया, अपनी औकात के हिसाब से 5,00,000 तो क्या, 50,000 भी नहीं जुटा पाए, और मैंने लड़की होकर 3,00,000 अरेंज कर लिए। तुमने क्या किया? हाँ रेडी कर दूंगा। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ओ, थोड़े दिन और वेट करने के लिए कहोगे और क्या है ना? मेरे साथ जिंदगी बिताने की औकात ही नहीं है तुम्हारी। श्री भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं आज शाम को ही मुंबई चली जाऊंगी, तुम बस यहीं ऑटो चलाते रहो। मेरी बात खत्म हो गई, अब बोलो। आयुषु, मेरे बिना तुम अकेली जी पाओगी क्या? ओह, बहुत अच्छे से जीऊंगी। फिर से ऐसा मत कहना आयुषु, आई लव यू आयुषु, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, पता है ना? मर जाओ। पैसों के बिना बैंक और नेटवर्क के बिना मोबाइल अगर हो भी तो कोई काम का नहीं होता। ओके आयुषु, 1 महीने का टाइम दो, अगर अरेंज ना हो पैसे तो नहीं होंगे। ओके, 1 हफ्ता? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा आयुषु, एटलीस्ट 1 दिन का टाइम तो दो, पैसे नहीं लाऊंगा तो बोलना, यहाँ तक कि ऑटो बेचना पड़ा तो वो भी करूँगा। आहा, सासू माँ के गहने दामाद ने दान कर दिए, तुम ऑटो बेचने तो जाओ, अगर मंचा को पता चला ना तो वो गालियाँ दे देकर ही तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जान ले लेगा। शट अप आयुषु। अब वो क्या है ना, मैं कल आऊंगा, तुम रेडी रहना, मैं जरूर कुछ कर लूंगा। ये तो रोज ही कहते हो। बैंगलोर टू मुंबई जाने के लिए रेडी रहना। नमस्कार डॉक्टर साहब। ओ, गुड मॉर्निंग बाबू, आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सॉरी डॉक्टर साहब, कल रात को मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, खत्म करके आने में थोड़ा लेट हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा, मतलब नाइट में पर्स और बहुत कुछ खाली करने गया था तू, छी बदमाश। हाँ डॉक्टर साहब, फुल जॉली फुल खाली, चुंबक की तरह बाहों का बंधन, भूल ना सके ऐसा संगम। डॉक्टर साहब, आपको भी कुछ भूलकर जॉली करने की इच्छा हो तो कहना, नेक्स्ट वीक आपको भी ले जाकर एंजॉय करवा दूंगा। रहने दे बाबू, इस उम्र में मैं खुद का ध्यान रख लूं वही काफी है, बूढ़ी हड्डियों में अब ज्यादा जान नहीं बची। हा? अरे हड्डियां कड़कड़ाने लगती है। नॉटी डॉक्टर। थैंक यू। अरे तेरे शेर बच्चे कहाँ हैं? ब्रेकफास्ट के लिए शिकार करने गए।
अबे चल। अभी एक और फटका दूंगा तो मर ही जाएगा बॉस। गुड बॉस, आधा फटका मारा ना तो मर ही जाएगा बॉस। वेरी गुड, ये बात अगर भाई को बता दी ना तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। चल सुंदर, फोन दे अपना। सॉरी बॉस, फोन स्विच ऑफ हो गया है, चार्ज नहीं है। अरे रे 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 रे, हमारे लोगों को फोन चार्ज करके रखना चाहिए, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुम में। ए, तू भी बिल्कुल अपने बॉस जैसे निकला। सॉरी बॉस। Your available balance is not sufficient to make an out. तेरी तो कॉल नहीं जा रहा इससे। सॉरी बॉस, बैलेंस डालना भूल गया। अरे अरे, सुना तूने? हमारे लोग मोबाइल तो रखते हैं लेकिन मोबाइल में बैलेंस रखने का कॉमन सेंस नहीं है। क्यों बे, कौन से शेर का चेला है तू? ए, देख इंद्रा, मेरे को जो बोलना है बोल दे, मेरे चेले के बारे में कुछ नहीं बोलना। देख चंद्रा, तू भी मेरे बारे में बोल सकता है लेकिन मेरे चेले के बारे में नहीं। ए, तेरे बारे में बात करूं तू क्या कोई सलमान खान है क्या? तू भी कहीं का शाहरुख खान नहीं है, समझ गया ना? ए, अरे मागड़ी सर, तुझे प्रसन्ना थिएटर पता है ना? हाँ पता है सर। वहाँ पर कांदा भजिया बहुत ही अच्छी बनती है। ये ले पकड़ 100 रुपए और 50 रुपए की मिक्स लेकर के आ जाना। और सुन एक बात, बोलिए। जल्दी आने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। आराम से आना। हाँ ठीक है सर। कुछ बात है क्या डॉक्टर? बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर आया है, पीस चाहिए। ले रख 70 है। उस कमबख्त डॉक्टर को इतने सालों से बोल रहा हूं कि ज्यादा पैसे दिया कर, दे दूंगा बोलता है लेकिन दे नहीं रहा कमबख्त। 50,000 दिए हैं उसने, ये लो तेरे 15,000, तेरे 15,000। धत तेरी की, कमीने बॉस ने सिर्फ 10,000 ही दिए हैं। ये ले आश कर। हेलो हेलो डियर डैड, वेयर आर यू? हाँ, कॉर्नर में जो मीनाक्षी का घर है ना, उसके साथ मीटिंग में हूँ। कॉल क्यों किया, चल भोंक पहले। अरे ऐसे ही डैडी, खाना खाया क्या आपने? नहीं खाया तो खिलाएगा क्या राजा? जब देखो तब कॉमेडी करते रहते हो, असली कॉमेडी किंग हो आप डैडी। नाटक मत कर माय सन, मैटर पर आ। वो एक्चुअली कैनकेरी के वहाँ हमारी एक जमीन है, याद है आपको? हमारी नहीं, जमीन मेरी है। हाँ ठीक है पापा, आपकी है। तो क्यों ना हम उसे बेचकर शहर में एक खूबसूरत सा घर खरीद ले। हाँ अरे तेरे मुंह में मेरा अंडरवियर गिर जाए, तेरी मम्मी जिंदा रहती तो पूछता तू मेरी ही औलाद है क्या। क्यों डैडी, डाउट है क्या? ये दो आंखें, नाक, मुंह, यहाँ तक की हरकतें भी आप ही की तरह है। अगर डाउट हो तो एक सेल्फी खींच के भेजू। बोलो भेजू क्या, देखना चाहोगे? तूने जो पहले भेजा है वो कर्मकांड देखकर मेरी दोनों आंखें खराब हो गई, अब मैं ये किन आंखों से देखूं? ठीक है छोड़ो, नहीं भेजूंगा। वैसे आप ना वो जमीन के बारे में जरूर सोचना, ठीक है? अरे क्यों बे,
तू हमेशा उस जमीन के पीछे क्यों पड़ा रहता है? तू ठीक से सुन ले, जब तू मेरी बात सुने बिना मेरे घर से चला गया उसी दिन तू मेरे लिए मर गया। उस जमीन को मैंने अपनी दूसरी बीवी के तीसरे बेटे के नाम पे लिख दिया है। रख फोन, लूफर। दोबारा अगर फोन किया तो सोच ले। हेलो हेलो हेलो, जिद्दी कही के जब भी जमीन के बारे में बात करो तो मेरी मम्मी के बारे में डाउट करते हैं। वेरी बैड डैडी। हेलो श्री, पैसे रेडी हो गए क्या? नहीं आयशु। तो फोन क्यों किया मुझे? फोन रखो। आयशु 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 आयशु, प्लीज आयशु, एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या है बोलो। तुमने कहा था कि अभी तुम्हारे पास 3 लाख रुपए तो पड़े हैं। हाँ, तो अब क्या करना है? वेरी गुड, हम क्यों नहीं तुम्हारे पैसे से मुंबई जाकर और पैसे कमा लिए जाए। छी, मुझसे काम करवाओगे? शर्म भी नहीं आती ना तुम्हें? आयशु, कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ लेकिन कोई 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। गधे की तरह मेहनत कर लेते तो अब कुत्ते की तरह घूमने की नौबत नहीं आती। तुमसे प्यार करके तो अब मैं पछता रही हूँ, और अपनी ये गलती तो मैं कल ही सुधार लूंगी। पैसे रेडी रहेंगे तो तुम मेरे साथ मुंबई आओगे, और अगर नहीं तो अभी नहीं बताऊंगी, तुम्हें बाद में खुद पता चल ही जाएगा। हेलो हेलो, क्या यार ये भी नहीं समझ रही, फोकट का टेंशन दे रही है। हेलो हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूँ। हाँ बोल ना। बेंगलुरु में एक फंक्शन है तो उसके लिए तेरे पुतले चाहिए। देख शंकर, कठपुतली के कपड़े बक्से में गए हुए पूरा 1 साल हो गया है, लड़के लोग नहीं है यार। नहीं मत कहना, हो सके तो कम से कम 2 कठपुतली तो भेज देना। तो चल एक काम करते हैं। बोलो। एक हो गया तू और एक हो गया मैं, दोनों ही कठपुतली के कपड़े पहन लेते। क्या यार गोविंद, तो तू ये बता मैं और क्या बोलूं, सीधी सीधी बात तुझे समझ में नहीं आ रही है। यार गोविंद, मैंने जुबान दे दी है, चाहो तो ज्यादा पैसे ले लो। क्या बोलूं मैं इसको, बार बार एक ही बात की रट लगा रखी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन ठीक है। अच्छे से खाओ, रात को जैसे मैंने तुम लोगों को सिखाया ना, डांस कॉमेडी सब कुछ करके सबको अच्छी तरह से हंसाना, तुम्हें समझ गए ना? वाह, एक को देख के दूसरे को भी लग गई क्या? ठीक है चलो जाओ, जल्दी जाकर आओ। हाँ एक मिनट रुको। हाँ चलो जाओ और जल्दी आना। हाँ शंकर, बहुत मेहनत से 2 कठपुतलियाँ तैयार की हैं, अच्छे पैसे दिला देना। दिला दूंगा यार, तू जाने में कितना टाइम लगेगा? अभी आधे घंटे में दोनों कठपुतलियाँ तेरे घर के आगे नजर आएंगी। ठीक है, समझ गया ना? हाँ हाँ समझ गया। कितना हो गया भाई? 1 सिगरेट पकड़ के 30 रुपए हो गए। 30 रुपए? ये ले भाई। अरे बाथरूम करने गए थे अभी तक लौट के नहीं आए, ऊपर से वो दोनों बोल भी तो नहीं सकते हैं ना, किधर चले गए वो? शंकर को बोल दिया है कि वो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, ये लड़के किस तरफ चले गए? अरे क्या हो गया ये? बाबू 70,000। क्या डॉक्टर साहब, निर्मला शौचालय मूत्र विसर्जन के लिए पहले 1 रुपए लेते थे लेकिन अब 2 हो गए हैं, लेकिन आप हैं कि 3 साल से किडनी के लिए 1 ही रेट दे रहे हैं,
अब तो कुछ बढ़ाइए डॉक्टर साहब, मुझे भी लड़कों को मेंटेन करना पड़ता है। अरे इस बार तो ले ले बाबू, अगली बार पक्का मैं ज्यादा करके दिलाऊंगा तुझे, ले ले। हर बार यही कहते हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर एक और बात, तुम्हें जितना भी ऑर्डर मिलेगा ले लो, मैं उतनी किडनी तुम्हें सप्लाई करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो डॉक्टर, या तो धंधा मत करो, और अगर करना है तो ऐसे करो जैसे मैं कह रहा हूँ। बाबू तू कहेगा और मैं ऑर्डर नहीं लूंगा, ऐसा हो सकता है? हेलो, वीडियो अच्छा था ना डॉक्टर? अरे भाई तुम कौन हो और ये वीडियो क्यों बनाया तुमने? भगवान और डॉक्टर के बीच आओगे तो हश्र अच्छा नहीं होगा, ध्यान रख लो। क्या होगा? भगवान के बीच में आओगे तो डॉक्टर के पास भेजे जाओगे, और डॉक्टर के बीच में आओगे तो सीधा भगवान के पास पहुंचा दिए जाओगे। होशियार रहो। तू भी सुन ले, मेरे बीच में आएगा तो मैं मीडिया में भेजूंगा, और अगर मीडिया के बीच में आएगा तो वो मेरे जैसे लोगों को ढूंढेंगे। होशियार। अरे तू है कौन? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करेगा? लेकिन वीडियो मैंने क्यों बनाया इस बारे में बात करना जरूरी है। आखिर तुझे चाहिए क्या? पैसे। 25 लाख रुपए। अगर आज शाम 5 बजे तक मुझे नहीं मिले तो 5:05 में व्हाट्सएप, फेसबुक और न्यूज चैनल्स में अपनी ब्रेकिंग न्यूज देख लेना। हाँ, भाई ऐसा मत करना प्लीज, मुझे जान से ज्यादा मेरी इज्जत प्यारी है। इज्जत बचाने वाला काम किया है तूने? देख भाई, लोगों के बीच में मेरी बहुत इज्जत है, इज्जत खराब मत करना प्लीज। देख भाई, तुझे पैसे ही तो चाहिए, मेरे पास तैयार रखे, अभी आके ले जाना। देख, शाम को मैं जो एड्रेस दूंगा वहाँ पर पैसे लेकर आ जाना, मैं तुझे फुटेज उसी वक्त दे दूंगा, और अगर कोई चालाकी की तो सलाखों के पीछे रोना पड़ेगा। देख भाई, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक उसी तरह तुम्हारी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, मेरा यकीन करो। हाँ करूंगा। ये भी बता दो पैसा कहाँ भेजना है। काली पहाड़ के पास जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ आकर मुझे फोन कर देना, मेरे लोग तुम्हारे नंबर पर फोन करेंगे और तुम्हें पैसे दे देंगे, तब तुम ये वीडियो दे देना। लो पकड़ो बाबू, इसमें पूरे 25 लाख रुपए हैं, अपने आदमियों के जरिए इसे वहां तक पहुंचा दो और वहां से वीडियो मंगवा लो। अगर वहां पे कोई भी गलती हो गई तो मुझे और तुम्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। होशियारी से काम लो। ओके डॉक्टर, डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे लड़के इस डील को बहुत केयरफुली खत्म करके आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये खेल जो भी खेल रहा है उसे ये पता नहीं है कि उसके सामने कौन सा खिलाड़ी है, मेरे लड़के उसकी समाधि बना देंगे और दिवाली मनाएंगे। एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती मत करो बाबू, 25 लाख हम दोनों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, मुझे हर हाल में वो वीडियो चाहिए, समझ गए ना? मैं सब समझ गया डॉक्टर, उसका नंबर दो। उसका नंबर और एड्रेस सब कुछ मैं SMS कर देता हूँ, और हाँ उसने 5 बजे बुलाया है, टाइम पे पहुँच जाना। सुनो, तुम दोनों अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर उसे पकड़कर उससे फुटेज ले आए तो ये 25 लाख रुपए हम तीनों आपस में बांट सकेंगे, लेकिन इस बारे में हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता लगना चाहिए, और अगर हम इस काम में हार गए तो मैं और डॉक्टर दोनों सलाखों के पीछे जाएंगे, और तुम दोनों को हमारे साथ चक्की पीसनी पड़ेगी, समझ गए ना? समझ गया बॉस, मैं 100% समझ गया। आप अभी जयनगर की जानकी के घर जाकर कोल्ड ड्रिंक पीकर एंजॉय करो, और तब तक आपका शेर काम खत्म करके आ जाएगा। बॉस, आपने जो कहा वो मैं 200% समझ गया। आप बसमदेव मंदिर के यहाँ रहने वाली भाग्य के घर जाकर भजन कीजिएगा, ये आपका खूंखार शेर साइलेंटली जाकर काम खत्म करके आएगा। शाबाश इंदिरा चंद्रा, मुझे तुम्हारे जैसे चेले मिले हैं, सौभाग्य है मेरा। बॉस, आप हमें बॉस के रूप में मिले, ये हमारा नसीब है बॉस। हमारे फील्ड में सेंटीमेंट से ज्यादा कमिटमेंट जरूरी है। ओके बॉस। सुनो, उसने शाम को 5 बजे आने का बोला है, तुम अभी जाकर अच्छी तरह से प्लान करो, उसका एड्रेस और फोन नंबर मैं तुम्हें SMS कर दूंगा। ओके बॉस।
हे रेड्डी, आप बोलिए। तेरे आदमी को यहाँ आने में कितना समय लगेगा? बस आता ही होगा। आज के टाइम में पैसा देना कितना मुश्किल है पता है ना? मैं यहाँ पैसा लेकर कब से बैठा हूँ, अभी आएगा तभी आएगा, आखिर कब तक आएगा? वो निकल गया है, मुझे फोन आया था, वो आधे रास्ते पहुँच गया। हाँ आ गया आ गया, हमारा श्रीकंठ आ गया। मुझे इतने टाइम तक इंतजार करवाए इसलिए 1% और बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे लड़के को वापस भेज दूंगा। नमस्कार। क्या भाई, हाँ? किस चीज का 1% ज्यादा ले रहे हो? अगर ये 10 लाख किसी और को देता तो इंसान हंसते हंसते 2% ज्यादा देता मुझको, समझा क्या? हाँ ठीक है दे दूंगा, पैसे भिजवा दो। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ थोड़ा टाइम इंतजार करने पर 1% ज्यादा ही मिल रहा है मुझको। श्रीकंठ क्या यार, सुबह सुबह ऑटो चलाना छोड़कर तुम यहाँ क्या करने आ गए, क्या बात है? भाई वो थोड़े पैसे चाहिए थे भाई। कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 5 लाख रुपए। क्या कहा, 5 लाख रुपए? अरे 5 लाख में कितने जीरो होते हैं तुझे पता है? तेरा चेहरा देखकर ऑटो दे दिया यही बहुत बड़ी बात है, बड़ा आया। 5 लाख चाहिए? 5 लाख प्लीज भाई, कुछ तो कर दीजिए भाई। तो ठीक है, एक काम करते हैं, 10 लाख की प्रॉपर्टी के कागज मेरे टेबल पे रख और 5 लाख लेकर जा। अरे भाई कसम से मेरे पास कुछ नहीं है देने लायक, बहुत अर्जेंट है भाई, दे दो वरना मेरी गर्लफ्रेंड मुंबई भाग जाएगी। ये आपका पैर समझकर आपके हाथ पड़ता हूँ भाई, प्लीज। है? थोड़ा और नीचे जाओगे तो ओरिजिनल पैर मिल जाएंगे, उसको भी पकड़ने के बाद 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चुपचाप जाके अपना काम करो, लड़की के लिए कर्जा ले रहा है तो बड़ा बन जाएगा क्या? बड़ा बनूंगा ना भाई, बस एक बार आप हेल्प कर दो प्लीज भाई। मैं मेरे होने वाले बच्चे को आपका नाम दूंगा। अगर तूने मेरा नाम रख दिया तो लोग तुझ पे शक करने लगेंगे श्रीकंठ। जगह खाली कर, बिजनेस के मामले में मैं अपनी बीबी की भी नहीं सुनता तो फिर तू क्या चीज है। बस एक बार हेल्प कर दो ना भाई प्लीज। बोला ना, फोकट का दिमाग खराब मत कर, एक बार बोला समझ में नहीं आता क्या? तेरे बकवास के चक्कर में मैं अपने भगवान की पूजा करना भूल गया। बोलो आयशु। श्री, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? उसी का इंतजाम कर रहा हूँ मैं। ओह, अब तक रेडी नहीं हुए? कोई बात नहीं श्री। हाँ क्या, सच में आयशु? अच्छा कहाँ हो तुम बताओ, मैं 2 मिनट में लगेज के साथ तुम्हारे सामने रहूंगा। एक काम करो, तुम यहाँ के बस स्टॉप पर आ जाओ। ओके ठीक है आयशु, आखिरकार भगवान ने तुम्हें सही वक्त पर बुद्धि देकर अच्छा कर दिया। हाँ, मुंबई की बस में चढ़ते वक्त कोई बाय बोलने वाला नहीं था ना, इसलिए सोचा तुम्हें ही बुला लूं। सही समय पर भगवान ने मुझे बुद्धि दे दी ना आयशु। और क्या, 5 लाख भी अरेंज नहीं कर पाए, एक नंबर के गधे हो। जाने तो छोड़ो, ये सब बोलकर तुमसे अब नाराज क्यों हूँ? तुमसे बात करने के लिए अब कुछ मेरे पास बचा ही नहीं है, बाय। आयशु आयशु, मुझे ऐसा बोल रही है, मैं इसको दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मैंने जिन जिन को इंटरेस्ट पर पैसा दिया है वो टाइम टाइम पर आकर दे दें, और तेरा जो भी कमीशन होगा मैं तुझे देता ही रहूंगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, ठीक है ना? हे भगवान, मेरे 10 लाख रुपए लेके भाग गया वो। ये लो। ए, क्या है ये? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? सच में? इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए? और तुम इतने हाफ के रहे हो? क्या हुआ? सब बताने का टाइम नहीं है अभी। तुम्हारे सारे सवाल एक चिट्ठी में लिखकर रखना, बस से जाते वक्त सब समझा दूंगा। अगर हम साथ में गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तुम्हें हमारी जगह पर मिलूंगा, जितना जल्दी हो सके हम वहां से मेन रोड तक जाएंगे और फिर वहीं से मुंबई के लिए रवाना। अरे यार, फोन काट दिया। अच्छा वैसे तुम्हारा लगेज कहाँ है? वो नई जगह पर पुराने सामान का क्या करूंगी? ओके छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं चलता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ ठीक है? हाँ। श्रीकांत फोन उठा ले, फोन उठा ले मेरे भाई, प्लीज फोन उठा। कौन हो सकता है ये ब्लैकमेलर? कहीं उसके जरिए
बाबू ने तो ये काम नहीं करवाया, या फिर इंद्रा या चंद्रा ने। खैर जो भी कोई हो, मुझे तो वीडियो मिल जाए बस उतना ही काफी है। पैसे आए नहीं और अभी से नए नए शौक पाल लिए, तू क्या कम है क्या? शाबाश सुंदर, आइए बैठिए बॉस। सुंदर जी, भाई के लिए हॉर्लिक्स बोल। भाई के लिए एक हॉर्लिक्स दे और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी। छोटे बॉस के लिए एक बूस्ट बोल दे। बॉस को बूस्ट और मेरे लिए लेमन टी। मेरे दुकान में ये सब नहीं मिलता। हा? मेरे यहाँ मांड्या में मिलने वाला कड़क चाय मिलेगा, चाहिए तो ले लो नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है वही मंगा ले। हाँ ठीक है, दो चाय लेके आ जा। मेरे दुकान में नो सर्विस, ओनली सेल्फ सर्विस, रखता हूँ आके लेके जा। लीजिए बॉस। थैंक्स। अरे बाप रे, क्या है बे? बस मच्छर। क्या बात है, तूने तो दिल जीत लिया मेरा, सुपर। बस ऑलरेडी पकड़ लिया है बस। लव यू सोना। थैंक यू बस। टाइम पास बहुत हो गया, पैसे निकालो। हाँ वो देगा, ले लेना। हाँ लिख लेना। हाँ जी, ऐसे चुप क्यों खड़े हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं, किस मुंह से बोलूं? तुमसे बात करनी है, आ जाइए, ये कहकर अर्जेंटली बुलाया तूने और अभी तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। मैं भी देख रहा हूँ, आजकल तुम मुझे डांटना अपना काम बना लिया है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगर डांटूंगी नहीं ना तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, इसीलिए डांट रही हूँ। शांता, ये घुमा फिरा कर बात करना बंद कर दे, सीधे पॉइंट पर आ, मुझे स्टेशन में बहुत काम है। तुम्हें घर में बीवी बच्चे क्यों चाहिए? सिर्फ काम ही नियम नियति धर्म है, तभी तो ये हाल है। क्या हुआ है, ऐसा हमारे साथ क्या हुआ है? इस भगवान के दया से हम सब खुश तो है ना? हाँ बहुत खुश हूँ, ऐसे भाड़े के घर में हम सब बहुत खुश हैं। दो दिन पहले जो काम पर लगे हैं, आज कार घर बंगला सब कुछ लेकर बैठे हैं, और आपको देखो ईमानदारी के चक्कर में हमारा ये हाल है। शांता, उनके रास्ते अलग हैं, हम वैसे रास्ते पर नहीं जी सकते। वैसे भी मैंने रिश्वत रुश्वत कभी नहीं लिया है, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। मैं आपसे कार या बंगला नहीं मांग रही हूँ, ना ही मुझे इसकी इच्छा है। आराम से जीवन नहीं जी पा रहे हैं, इसलिए दर्द होता है। आपको मिलने वाले 20,000 में माँ की दवाई का ही 12,000 खर्च हो जाता है, बचे पैसों में घर कैसे चलेगा? इसलिए मैं काम पर जाती हूँ, घर का भाड़ा, बच्ची की फीस, ये सब कहाँ से पूरा होगा? लगता है भगवान भी ढूंढ ढूंढ कर हमें तकलीफ पे तकलीफ दे रहे हैं। ऊपर से बच्ची बहुत दिनों से बीमार है, आज सीने में दर्द की वजह से बहुत देर तक रोती रही। हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने क्या कहा पता है? बच्ची के हार्ट में होल है, 2 दिन में ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्ची की जान जा सकती है। डॉक्टर साहब, बच्चे का ऑपरेशन। मैंने पहले ही कहा था ऑपरेशन के लिए 3-4 लाख रुपए खर्चा होगा, आप पैसे रेडी कीजिए फिर हम आगे देखते हैं। डॉक्टर साहब, कितने भी पैसे खर्च आने दो, मैं ला कर दूंगा, आप ऑपरेशन कर दो। काउंटर पर पहले पैसे भर दो, मैं कल ही ऑपरेशन कर दूंगा। डॉक्टर, डॉक्टर। देखो जी, अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। शांता तू हिम्मत रख, रो मत, मैं पैसे लेकर आता हूँ।
शांता बोल। कहाँ है आप? एक घंटे में आता हूँ कहकर अभी तक नहीं आए। डॉक्टर पूछ रहे हैं कि पैसे रेडी हुए या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाइए। अरे शांता, पैसे एडजस्ट नहीं हुआ है, हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगा। देख तू हिम्मत रख, जितना जल्दी हो सके मैं आ जाऊंगा, सब ठीक होगा। भगवान है, तू बस बच्चे का ख्याल रख। नमस्कार। बैठो बैठो। चंद्रशेखर, तुम्हें इंतजार करवाया इसलिए नाराज मत होना, नाइट ड्यूटी थी। कॉफी भी पिलाता लेकिन तुम्हारी भाभी घर पे नहीं है। कोई बात नहीं है सर। चंद्रशेखर, 3 लाख रुपए चाहिए ये कहा था ना तुमने? हाँ सर। इतने दिनों में जो कमाए वो पैसे कहाँ गए? सर ओ मम्मी के हॉस्पिटल का खर्च, बच्चे की स्कूल की फीस, घर के खर्च में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं सर। अगर मैं अभी तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूं तो फिर चुकाओगे कैसे? सर ओ मैं मेहनत करके कमा कर जितना जल्दी हो सके चुका दूंगा सर। इतने सालों से तुम यही करते आ रहे हो ना? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ना मत कहना सर। बहुत जगह मांग कर देखा सर, किसी ने नहीं दिया। आप पर भरोसा करके आया हूँ सर। लेकिन लौटाओगे कैसे? तुम्हारे पास घर बार जायदाद कुछ ऐसा रहेगा तभी लौटाओगे ना? सत्य धर्म न्याय निष्ठा इन सब से पैसे पैदा नहीं होते, समझे? दुनिया में जब तक हो पैसे बनाओ, नहीं तो इसी तरह सबके सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। चलो उठो। देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम जाओ और किसी दूसरे से कर्ज मांग लो, किसी ना किसी को तो दया आ ही जाएगी। तुम्हारे रोने धोने के चक्कर में मैं नहाने के लिए लेट हो गया, निकलो निकलो। कहाँ चली गई है? फोन भी स्विच ऑफ है। देख इंद्रा, मैं किसी भी काम में हाथ डालू तो बीच में उंगली मत करना। मेरा गुस्सा जिस दिन सिर पर चढ़ गया ना तो मेरे कमर पे जो चाकू रहता है तेरे पेट में कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा, होशियार रहना। अबे हुल देना बंद कर, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। अगर मेरा बीपी हाई हुआ तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि कुत्ता भी नहीं पहचानेगा तुझे। ऊंची आवाज में बात मत कर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। दोबारा उंगली दिखाई तो तोड़ दूंगा, समझा? ज्यादा आवाज मत बढ़ा, तू चिल्लाना बंद कर। एए! ब्लैकमेल बच्चन ने जो जगह बताया यही है, इधर ही रोक। एए! गार्डन में घूम रहे हो क्या? हाँ तुम्हारी तो मैं। ए लड़की इधर आ, ए छोटे इधर आ। इसके साथ शादी करेगी क्या? कितना सुंदर है तू, निकल। ए छोटे। बोलो बॉस। गला सूख गया है, पीने के लिए कुछ जल कर लेकर आ। अभी लाया। ये लो बॉस, रुके बॉस पानी लेके आता हूँ। अरे बॉस पी गए क्या? वो रॉ था बॉस, रॉ, सीना जल जाएगा। ए ड्रामा मत कर, चल पानी दे। पता चल गया लगता है। ए, 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 ए,
जब देखो नौटंकी करता रहता है, कोई कैसा काम लगा? सुपर बॉस, सुपर। ऐसे कैसे किया बॉस? अबे ओए जीजे, फोन करना बंद कर। जापान की शक्कर खाकर शुगरलेस बॉडी है ये, पता है क्या? क्या अद्भुत है बॉस। हेलो हेलो। हाँ, मन में लड्डू फूटा। आज किसकी शक्ल देखी थी मैंने? खुद की। हेलो, आपका क्या नाम है मैडम? हेलो, अबे मैं तेरा जीजा बोल रहा हूँ। अच्छा जीजा जी, सुबह से इतने कॉल कर रहा हूँ तुझको, तू तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा है बे। ओ जीजे, उस दिन कहा था ना रिश्ता खत्म हो गया, अगर दोबारा फोन किया तो ठोक दूंगा वही आके। इंदिरा, मेरा सोना है ना तू, उस दिन तुझको डांटा उसके लिए सॉरी यार। माफ कर दे यार। मेरे पास ऑटो चलाने वाला एक लड़का आया और मेरे 10 लाख रुपए लेके भाग गया यार। तुझे उसे कैसे भी पकड़कर मेरे 10 लाख रुपए दिलाने ही होंगे। लेकिन जब वो पैसे लेकर भाग रहा था तो तुम धनिया छाट रहे थे क्या? नहीं साले साहब, मैं भगवान के आगे कमीशन की बात कर रहा था। वो तो कोई पागल होगा जो सिर्फ 10 लाख रुपए लेकर भाग गया। तुम्हारे पाप के हिसाब से ये बहुत कम है। ए, ये कोई कॉमेडी करने का टाइम है क्या? मुझे हंसी नहीं आ रही है, मेरा दिल जल रहा है। उस कमीने को कैसे भी करके पकड़ ले, मैं तुझसे ये काम फोकट में नहीं करा रहा हूँ। पैसे दूंगा पैसे। लेकिन कितना दोगे? पूरे 20,000 दूंगा। कितना? क्या 20,000? 3 लाख मिलेंगे तभी काम करूंगा, वरना फोन रखो। अरे साले साहब, मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ बे, तेरा जीजा हूँ मैं, और जीजा के साथ सौदे की बात कर रहा है तू। जीजा वीजा गया तेल लेने, मेरे पास सेंटिमेंट्स नहीं है, बिजनेस मतलब बिजनेस। तो चल ठीक है, हम एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए दूंगा तुझे। क्या? अच्छा 1 लाख? वो तो तुम्हारे 10 लाख लेकर गया है, और अब मैं भी कुछ ज्यादा ही चार्ज करता हूँ। देख यार, ना तेरा ना मेरा, 1.25 लाख रुपए दे दूंगा। तेरी बहन की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा यार। वो तो अच्छा है कि तू मेरा जीजा है। चल ठीक है, ना तेरा ना मेरा, 1.5 लाख और पुराना कर्जा माफ। अगर इतना दोगे तो ठीक है, मैं ये काम करूँगा। क्या बात कर रहा है यार, मेरा टाइम खराब चल रहा है इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है ना? ठीक है भाई, तेरा बैल आगे जाने दे और मेरा बछड़ा पीछे रहने दे। ठीक है, उसकी फोटो व्हाट्सएप करो। कौन है भैया? क्या पता है? पानी है तो देना प्लीज। पीने को पानी है? पानी ये ले, पी ले। इन सारी बातों में तुम भी कम नहीं हो, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अरे क्या हो रहा है, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? अच्छा तो ये मेरे जीजा के पैसे चुरा कर भाग रहा था, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। थू, ये नेटवर्क भी ना, जब भी डील आती है ये डल हो जाता है। ए चंद्रा, जरा हॉटस्पॉट ऑन करना। हाँ? क्या हुआ, कोई डील कर रहा है क्या? मुझे कितना देगा? ऑन करना, सुबह दे दूंगा तुझे। ऐसा है तो ठीक है, मैं भी तभी ऑन कर दूंगा। जा बे। अबे तू जा। ओ सुन, तेरे पास नेटवर्क है? क्या भाई, मैं खुद इतना टेंशन में हूँ, ऊपर से ये सब। क्या कहा तूने? नहीं है भाई, मेरी बैटरी अभी खत्म होनी थी। अच्छा सुनो, आपने कोई लड़की को देखा जिसने पिंक कलर की टी शर्ट, जीन्स और एक बैग लटकाई हुई थी, मतलब रास्ते पर आते वक्त? नहीं देखा। थैंक यू भाई, ये लो। कौन सी कबूतर है भैये, उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारे कार को हाथ दिखा रही है, मतलब कुछ तो बात है। चले साइड में ले ले।
सॉरी सर, आप आवाज बंद कर, चल अंदर बैठ। छोड़ो मुझे। ज्यादा आवाज मत कर, चुपचाप बैठ जा। छोड़ो मुझे। साइलेंट रहे। प्लीज छोड़ो, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। अगर नहीं छोड़ा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, छोड़ो मुझे। जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, तेरी इच्छा, मैं तो तुझे काटूंगा। तूने इसे काटा तो मैं तुझे काट लूंगा। पहले मेरी बारी। ए, मैं क्या आम हूँ जो मुझे काटोगे? इज्जत से मुझे छोड़ दो, वरना मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं है। ए, सबको पता चले तू कोई ऐश्वर्या राय है या सनी लियोनी। 10 मिनट खेलेंगे सिर्फ, आजा आजा रे। छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे, कमीने, मार दूंगी। कौन है भैया, बार बार मार दूंगी, कमीने बोलकर मूड ऑफ कर रही है मेरा। चुमा दे, तूने मुझे खरोच लिया, पिछले जन्म में बंदर थी तू, अब तो मैं भी काटूंगा तुझे। हाथ काट लिया। हाथ काटती है, तेरे बाप ने तुझे कुछ खिलाया नहीं क्या? इसके हाथ पैर दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसके हाथ पैर बांधकर फर्स्ट काम कर लूंगा। पहले तू इसके हाथ बांध, फिर देखेंगे किसकी बारी है। जा बे, पहला कपड़ा दे, कपड़ा दे। उठा उठा, अब ठीक है। देख इंद्रा, मुझे बांटकर खाने की आदत नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, तुझे भी एक हिस्सा दूंगा। 5 मिनट में मैं अपना काम खत्म कर दूंगा, उसके बाद तुझे जो करना है कर लेना, समझ गया ना? बांटता तो मैं भी नहीं हूँ, पहले तो मैं ही खाऊंगा और इसे तो नमक लगा के खाऊंगा। 5 मिनट दे दे, मेरा काम हो जाएगा, फिर तू कर लेना। इस वक्त ये सब चाहिए क्या? अबे रुक रुक, छोड़ दे बे। अबे रुक, तेरी तो देख, अच्छी तरह से मान जा, वरना मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, पहले मैं खाऊंगा। तो रुक, वो देख उसे बुलाने जा रहे हैं, चल बॉस को बताते हैं। बॉस, मुझसे बुरा कोई, उधर देखिए बॉस। अबे वो उसे बुलाने जा रहे हैं, जाके रोक उन्हें, जाके पकड़ के ले आ इधर, जाके जा। ए रुक, ए ए रुक रुक। इंद्रा तो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, ठीक नहीं होगा। बक, हमारे साथ अच्छा हो इसके लिए हमने कौन सा अच्छा काम किया है? पीछे मुड़कर देख, लड़की का हीरो आ रहा है। बक, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरे बीच में जो भी आए उसकी मैं वाट लगा देता हूँ। हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो करते हैं, इस लड़की को डिक्की में डाल देते हैं, उस लड़के के जाने के बाद डिसाइड कर लेंगे। ए, संभाल कर उठा, इसे डिक्की में डाल दे। ठीक है बॉस। वापस क्यों आया तू? बहुत भूख लगी है भाई, खाने के लिए कुछ हो तो दो ना। हाँ, 4 टायर और स्टेपनी है, खाएगा क्या भाई? छोटे सुन जरा, बस खाने के लिए कुछ होगा तो जाकर लेकर आ, खाकर जाने दे से। ओके बॉस। बहुत देर से देख रहा हूँ, तू कब से यहीं पे घूम रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है गधे की तरह, प्रॉब्लम क्या है तेरा? अरे प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम? हाँ भाई, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आयशु मुंबई जाकर एक सुपर सा ब्यूटी पार्लर खोलने वाले, ये प्रोग्राम बनाया, इधर आने को ही कहा था मैंने, अभी तक आई नहीं, तो उसी का वेट कर रहा हूँ। वैसे तेरी गर्लफ्रेंड दिखती कैसी है? वो क्या ना भाई, वो एक एंजल की तरह है, पतली सी, गोरी सी, मानो जैसे परी जमीन पर उतर आई हो, बिल्कुल वैसी है भाई। अरे ओ, अगर तेरी गर्लफ्रेंड परी है तो तू जमीन पर कर क्या रहा है, उसके साथ हवा हो ले जल्दी से। देख, तुझे 100% कहता हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे हाथ देकर किसी और लड़के का हाथ पकड़ कर भाग गई होगी, जाके दूसरी लड़की ढूंढ ले जा। कुछ भी मत बोलो, मेरी गर्लफ्रेंड वैसी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड 24 कैरेट गोल्ड है, समझे? आपको मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी के बारे में पता नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड आयशु के लिए मैंने क्या क्या किया है कुछ पता भी है? मेरी माँ की कसम नहीं पता, सीरियल की तरह ना खींचते हुए सिनेमा की तरह शॉर्ट में बता।
हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी सुन लेंगे। भाई मेरा नाम सुनो, ये गाड़ी से कुछ आवाज आ रही है, देख लो। सुंदर जाके देख क्या है। ठीक है भाई। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड प्यार से श्री कहकर बुलाती है। आपको पता है मेरी माँ नहीं है, सिर्फ पापा। ए, रुक जा रुक जा। स्टोरी बिगिनिंग से ही लॉजिक से बाहर जा रही है। क्या लॉजिक भाई? नहीं यार, बिना डैडी के पैदा हो सकते, बिना माँ के कैसे पैदा हो गया तू? अबे ओए, मेरा मतलब है मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, बेकार की बातें करनी है। ए, वो क्यों हंस रहा है बे? अरे अरे अरे, जिनका सर बड़ा होता है ना, उनके अंदर दिमाग नहीं होता, ऐसा सुना था मैंने, और आज मैंने देख भी लिया। अरे भाई तू आगे की बात बता। तो मैं सिर्फ डैडी का दूध पीकर ही बड़ा हुआ। मेरा मतलब डैडी का पिलाया हुआ डेरी का दूध। अकेले रहने वाले मेरे डैड को रोमांस का कीड़ा काट लिया, और पड़ोस में रहने वाली आंटी को छोड़कर कोई चला गया। फिर क्या, उनके बीच एक कहानी शुरू। हाथ में एक बच्चा भी छोड़कर चला गया। उस दिन से मैंने दूध पीना छोड़कर दारू पीना शुरू कर दिया। मम्मी पापा का प्यार कभी नहीं मिला मुझे, लेकिन तब मेरी लाइफ में आयशु आई और उसने मुझे वो सारा प्यार दिया, और तब मुझ में हिम्मत आई। फिर पता है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए मुझसे जो भी हुआ मैंने वो सब किया। उसने मुझसे जो भी मांगा मैंने दिन रात मेहनत करके उसे वो सब दिया। अब इतना सब कुछ करने के बाद वो मुझे छोड़कर थोड़ी जाएगी। करेक्ट यार, वो पक्का धोखा नहीं देगी। क्या क्या तुमने कभी उसके साथ काला कांडी की है क्या? दिमाग है या कीचड़, कुछ भी बोलना है बस। सुबह उठकर ऑटो चलाता था, शाम को ऑर्केस्ट्रा में मेहनत करता था। मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने का कुछ ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं था मुझे, और तुम हो कि काला कांडी तक पहुंच गए। ओ यस, कार में जो आइटम है वो फ्रेश है। एक बात बता, तू ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था? नहीं भाई, मिमिक्री करता था। अच्छा, किसकी मिमिक्री कर सकता है? सबकी कर लेता हूँ भाई। तो फिर नाना पाटेकर। क्या बोला? अच्छा है। बॉस की तरह आता है क्या? ये न रास्किला, माइंड इट। ओ, शंकर भाई की आते है क्या? अरे शंकर भाई तो हम ऑटो चलाने वालों के लिए भगवान है। अक्षय की तरह आता है क्या? अब पूरे ऑर्केस्ट्रा का यही करवाओगे? बस हो गया, मैं अब और नहीं कर रहा। मैं इन सब के पैसे लेता हूँ, समझ गया ना? बस इतना ही मिलेगा, मैं जा रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड कभी भी आती होगी। कीचड़ दिमाग, वो कहाँ से आएगी? क्यों नहीं आएगी? आने वाली रहती तो कब की आ गई होती। अबे पागल, उसके लिए तूने ये किया है वो किया है बोलते जा रहा है, कभी उसको प्यार दिया क्या तूने? क्या क्या नहीं किया वो पूछना। जब तबीयत खराब थी तो मैंने सेवा की है, जब उसे पैसे चाहिए थे तो मैंने उधार लिए हैं, और जब इतना सब कुछ करने के बाद भी कम पड़ गया तो मैंने चोरी भी कर ली। चोरी की तूने? हाँ भाई। कौन से एरिया में? जिसने कुछ नहीं किया उसका कोई भी एरिया हो क्या है हमें? हेलो जीजा। हाँ बोल। तुमने जैसा बताया वैसा ही एक आदमी मेरे सामने खड़ा है, मैं फोटो भेजता हूँ, कन्फर्म करो। जल्दी भेज दे यार, इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तेरा नाम क्या बताया? श्री, श्रीकंठ है भाई। कंठा, श्रीकंठा, तेरे कंठ में जो शक्ति है वो तेरे कमर में नहीं है। चुप रहो यार, मैं तकलीफ में हूँ और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है। यार श्रीकंठ, तेरी कहानी सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा है दोस्त। मैं दूर जाके अपने आंसू पोंछ के आया। आजा मेरे भाई, एक सेल्फी हो जाए क्यों? हाँ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड ने आज तक मेरे साथ एक भी सेल्फी नहीं ली, पता है? आप लीजिए, आपका बहुत बड़ा है। दिल 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 की बात कर रहा हूँ, एक और लेते हैं, एक और। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो जरा इधर आना। ये जो गलत फहमी है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी, वो देखना कैसे दूर हो जाएगी। मुझे यकीन है कि वो आएगी। सब कुछ है, जो चाहिए वो छोड़ के, उसे जो चाहिए वो तू दे देता तो तेरे पास आ जाता। अरे क्या भाई, मुझ में कोई कमी है क्या? दिखने में इतना हैंडसम हूँ, स्टाइल में भी कोई कमी नहीं है, हेयर स्टाइल तो माशाल्लाह, ऊपर से ये बॉडी, बाप रे बाप। हाँ मानता हूँ कि थोड़े बाइसेप्स कम है, लेकिन जिम जाऊंगा तो देखना वो भी कैसे फट के बाहर निकलेंगे। एक दिन देखना, मेरा भी अच्छा टाइम आएगा, तब तक तुम लोग रहे तो मैं जरूर दिखाऊंगा। और अब बोलना,
मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आएगी? अरे आखिर मुझ में कमी ही क्या है? जो तुझे चाहिए था अगर तू उसे बता देता तो वो आ जाती ना। तू इस तरह अपना टाइम खोटी कर रहा है मेरे भाई। सर मैं बच्चन बोल रहा हूँ, पहले जो जगह बताई थी वहां मत आना, वहां से थोड़ी दूर वाटर टैंक के पास पैसे लेकर आ जाना। ओके सर। चलो यार चलते हैं, बच्चन ने दूसरी जगह पर बुलाया है। चल। चलता हूँ राजा, सिर्फ कंठ पे ज्यादा ध्यान मत दे, थोड़ा कमर पे भी ध्यान दिया कर। आयो राम, आयो राम। सर क्या दूं? एक चाय देना। हाँ सर। सुनो। हाँ सर। इस फोटो में जो है उन्हें देखा है क्या? अरे ये लड़के क्या कठपुतली के कपड़े पहने हुए यही चाय पी रहे थे, और इनके साथ एक बूढ़ा भी था। ऐसा है क्या, उन्हें कठपुतली के कपड़े पहना दिया? कौन है ये बुढ़ा? पीछे सुसू करने गए थे, फिर वापस नहीं आए सर। बेचारा बूढ़ा इंतजार करके थक गया और उनके पीछे ढूंढने चला गया। वो भी लापता, ये भी लापता हो गया। क्यों सर? वो किस तरफ गए? उस तरफ। चाय ले लो सर। नहीं नहीं थोड़ा अर्जेंट काम है। अरे आने वाला पैसा था वो भी गया। अरे किस तरफ गए होंगे ये दोनों? आखिर कहां चले गए ये दोनों बिना बताए? इतनी देर में तो आदमी 10 बार करके वापस आ जाता है। अरे क्या करूं मैं, कौन है अब ये? हेलो। अरे गोविंद तेरे कठपुतली का क्या हुआ? कठपुतली कहाँ है? फंक्शन भी खत्म होने वाला है। अरे तो मैं क्या करूँ, तू फोन रख फौरन, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। तुझे फंक्शन की पड़ी है, मुझे टेंशन हो रही है। अबे गोविंद तेरी जबान है कि गटर? हाँ? क्या बकवास कर रहा है, मुंह बंद कर। अभी आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ना दिमाग खराब मत कर, गुस्सा आ रहा मुझे। ए गोविंद, सुबह से ढूंढ रहा हूँ उन दोनों को, कहीं नजर नहीं आ रहे, और तू मजे लिए जा रहा मेरे। तुझे फंक्शन की पड़ी है अपने? थोड़े पैसों के लालच में मैं तेरी बातों में आ गया। जिन लड़कों को मैं जानता नहीं था उन्हें कपड़े पहना कर तेरे पास ही लेकर आ रहा था। अच्छा। वो बहाना बनाकर कहीं खिसक लिए। अब तू ही बता मैं क्या करूं? फोन कट कर दे अब तू, काट इसे, दिमाग खराब कर रहा है। बहुत देर हो गई है, तेरे लड़के अब तक फुटेज लेकर आए नहीं है। क्यों शक है डॉक्टर? मेरे लड़कों की ताकत किसी शेर से कम नहीं है, और दिमाग से लोमड़ी के बच्चे हैं। 100% वो फुटेज लाकर आपको सौंप देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। जब तलवार सर पर लटकी हो तो कोई भी आदमी आसानी से परेशान हो सकता है, और मुझे सच में डर लग रहा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक डरना मत डॉक्टर। यार ये आयशु का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अगर चलकर भी आती तो 1 घंटे पहले पहुंच जाती, या फिर उन्होंने जैसा कहा कहीं भाग तो नहीं गई। 10 लाख रुपए भी उसी के पास है। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर मैं खाली हाथ एरिया में गया ना तो मेरा क्या हाल होगा? हाल नहीं बे, बेहाल कर दूंगा। मेरे से 1 रुपया भी लेकर जाने के लिए ये एरिया वाले सोचते हैं। मैं मेरे बेटे को 10 रुपए की चट्टी दिलाने के लिए 10 बार सोचता हूँ, और तू मेरे 10 लाख रुपए लेकर भाग गया। तेरी इतनी हिम्मत, सच सच बता दे मेरे पैसे का है, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई एक मौका दे दो भाई, हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला मैं इकलौता बचा हूँ भाई। क्या बोला बे? अगर तू चुपचाप मेरे पैसे दे देगा
तो तू बाप बन पाएगा, नहीं तो मैं तुझे ऐसी जगह। भाई माफ कर दो। हुआ। अगर मैं मंजू के हाथ फंस गया तो वो मुझे मार कर ही छोड़ेगा, ये गारंटी है। मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से गांव में सारे लोगों से मैंने कर्जा ले रखा है, गांव भी नहीं जा सकता। अगर गलती से चला गया तो गांव वाले मेरी चड्डी तक नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा दे। हेड आया तो आगे, टेल आया तो पीछे। ओ, टेल मतलब पीछे जाना है। आखिर मैं समझ आया कि लड़कियों के पीछे पड़ोगे तो तुम्हारा हार्ट, टाइम, पैसे सब कुछ सिर्फ वेस्ट ही होने वाला है और कुछ नहीं। लेकिन यहां तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बॉस, क्लोज कर। ओके बॉस। डॉक्टर एक मिनट। बॉस, बच्चन ने जो जगह बताया उस पर आ गए हैं। देखो थोड़ा केयरफुली हैंडल करना। इस चंद्रा के होते हुए आप एकदम वरी मत करना बॉस। बॉस, मैं आपका काम कर दूंगा बॉस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंदिरा है ना बॉस? बॉस बाद में कॉल करता हूँ। तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं बॉस से बात करता हूँ बीच में टांग अड़ाता रहता है तू। अबे तू कम थोड़ी ना है। देख सुन ले, अच्छा नहीं होगा। तू भी सुन ले, तेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। Hey, क्या देख रहा है भाई? ये तू क्या देख रहा है बे? तू जो देख रहा है मैं भी वही देख रहा हूँ। अबे जो तू देख रहा है वही मैं देख रहा हूँ, समझा? हैं? हे ज्यादा साना बन रहा है क्या? ज्यादा सान पत्ती मत कर मेरे से, समझा? समझ में नहीं आ रहा है गायब कहाँ हो गई। सुन रहे छोटे? बॉस क्या हुआ? बॉस क्या हुआ? बॉस मेरी सुंदरी यहीं कहीं छिपी होगी, जाकर ढूंढ ले उसे, जल्दी जा। ठीक है। ए सुंदर, मेरी राजकुमारी यहीं कहीं छिपी होगी, जाकर ढूंढ। उधर नहीं मिली बॉस। हाँ? बॉस वो मिली नहीं। बॉस कहाँ चली गई है? बॉस हाँ? उधर देखिए बॉस। हमसे भागकर कहाँ जाएगी? छोड़ो मुझे। तू इसको तो मैं छोड़ो मुझे। क्या हुआ जीजा जी? हे साले साहब, जो तूने फोटो भेजा था वो तो मिला नहीं, लेकिन मैंने जो फोटो भेजा था वो तुझे मिला क्या? सॉरी जीजा जी, वो नेट जरा काम नहीं कर रहा है। आप जरा एक काम कीजिए, मेरा 2G का 100 रुपए का रिचार्ज करवा दीजिए, फिर मेरी फोटो आपको मिल जाएगी और आपकी मुझे। क्या बोला बे? अब मैं तेरा रिचार्ज करवाने जाऊं क्या? 4G और 5G के समय में तू 2G भटका हुआ है।
एक तो तुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है और कह रहा है कि नेट पैक डलवा दो। अब मैं तेरा क्या करूँ बोल। तुझसे फोटो डाउनलोड करने का एक छोटा सा काम नहीं हो पाया और ऊपर से ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा चाहिए। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। जीजा जी आप मुझे ऐसे मत डांटिए। तो फिर क्या मैं तेरी आरती उतारू क्या? तूने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? एकदम काले बंदर जैसा दिखता है तू। छोटा सा काम भी नहीं कर पाया तू। थू। जब तेरे पे विश्वास किया तभी समझ गया था कि नेट क्या गेट भी क्रॉस नहीं होगा तुझसे। और तूने ये साबित कर दिया। क्या बॉस, ये लड़की कितनी भारी है। बकरे को काटने के बाद ही दुकानदार को फायदा मिलता है, देख अभी कैसे काटता हूँ। आप मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं जीजा जी। अगर दोबारा शर्ट का बटन खोल कर मेरे सामने आकर बोलेगा कि मैं भी गुंडा हूँ तो तेरी किडनी निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा। जीजा जी मेरे बारे में कुछ भी बोल लीजिए लेकिन मैं गुंडा हूँ और गुंडा रहूंगा। ये तो फोन पे बिजी लग रहा है, ये राइट टाइम है, अब ये काम खत्म कर मैं बॉस को बताऊंगा। ए तेरा बॉस आएगा तो सिर्फ फाइट देख पाएगा और अगर तू चुप रहेगा तो अच्छी फिल्म देख सकेगा। सोच ले, तुम दोनों को देखने का पूरा चांस दे रहा हूँ। करीब रहकर गिरा देना तुम लोग। क्या लार ए, आज मुझे समझ में आ गई तेरी ये नकली गुंडागर्दी। एक बात सुन, पकड़ना तो दूर की बात है, तू सिर्फ उसकी फोटो डाउनलोड कर ले तभी तू असली गुंडा है ये मैं समझ जाऊंगा। जीजा जी मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं डाउनलोड करके फोन करता हूँ आपको। मेरा जीजा मुझे ही डांटता है, फोन पे इज्जत उतार रहा है। देखता हूँ डाउनलोड करके मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ मुझे लोफर, घर में तेरी माँ बहन नहीं है क्या? छोड़। तू क्या हुआ जीजा जी? तुम्हारे हाथ का साइज क्या है साले साहब? अच्छा जीजा जी आप मेरे लिए सोने का कड़ा बनवा रहे? नहीं, तुम्हें तुम्हारी बहन की चूड़ियां पहनाने के लिए। तेरी तेरी तो थू, मैं इसकी फिर से आ गए रे ये लोग। इतनी देर तक इंदिरा परेशान कर रहा था, अब ये लोग परेशान कर रहे हैं। भाग लो बे, किधर जाएगी रे? वो दोनों तुम्हें बचा लेंगे क्या? मार डालूंगा। एक तो फोटो डाउनलोड नहीं हो रही और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अब तक यहीं पर है ये लोग, जाकर भगाओ उन्हें। हाँ? बस हमारे आने तक शुरू मत करना बस। हाँ। क्यों? बस वो मुझे फिल्म को टाइटल से देखना बहुत पसंद है। टाइटल से देखना पसंद है? तेरी तो मैं निकलो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, चल निकल यहाँ से। ये नेटवर्क कब आएगा, कब डाउनलोड होगा और कब मैं उस कमीने को पकड़ूंगा? ये पागल लोग अभी तक यहीं पर है, कैसे जाऊं? पहले से इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है। वैसे मैं क्यों डरूं? रोड क्या इनके बाप का है? बॉस बॉस क्या बे, पहले दिमाग आउट हो गया है, जान से मार दूंगा तुझे। ऐसा नहीं बॉस, उधर देखिए। इसको उठाकर गाड़ी में डालो। क्यों बे, हमारा पीछा कर रहा है? इरादा क्या है तेरा? तुम लोगों का पीछा करूं? तुम लोग क्या सनी लियोनी हो? दरअसल तुम लोग मेरे आगे आगे चल रहे हो। जुबान बहुत चल रही है तेरी, काट डालूंगा, समझा? निकल चल। तू जुबान काटेगा और मैं चने खाता रहूंगा, है ना? क्या बोला? यार कुछ नहीं, मैंने बोला मैं जा रहा हूं। बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये लड़का न जाने कहां से चला आता है, पूरा मूड खराब कर दिया। ये सुबह से नेटवर्क ही ढूंढ रहा है। ये नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा? भाई आपकी तकलीफ देखकर लग रहा है कि आप नेट के लिए तड़प रहे हो। हाँ, सही कहा। मैं हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ, बिंदास यूज करो। क्या बात कर रहा है? इसीलिए कहता हूँ भाई,
कि अगर नेट सही से चल रहा हो ना तो आप फोन पर मूवी भी देख सकते हो और क्रिकेट भी देख सकते हो। बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा वो सब ठीक है, मैं सुबह से देख रहा हूँ, ऐसा क्या है जो आपको डाउनलोड करना है भाई? एक चोर की फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ। चोर की फोटो? हाँ। याओ, ये वही चोर है, इसने मेरे जीजा जी के पैसे चुराए हैं, आ जाओ। हे भगवान, इंसानियत के नाते हॉटस्पॉट देकर खुद की कब्र खोद दी मैंने। हे भगवान, गलती से अगर मैं इनके हाथ लग गया ना तो गारंटी ये लोग मेरा कीमा बना देंगे। को पकड़ूंगा तो मुझे कितना देगा? कुछ नहीं दूंगा। 10% देगा क्या? कुछ नहीं दूंगा तुझे। अबे छोड़, 5% देगा क्या? अबे वो भाग जाएगा। 5% देगा क्या? अबे छोड़ ना। डील 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 डील। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। साइड हो जाओ रे। रुक जा, मार दूंगा तुझे, रुक जा। अरे रुक जा, रुक जा। ए, ए। श्री भाग, नहीं तो इन लोग तुझे ऊपर भेज देंगे। रुक, रुक जा। रुक ना। जीजा जी। अरे ये वही है जो मेरे 10 लाख रुपए चुरा के भागा था, छोड़ना मत उसको। अरे छोड़ने की बात कर रहे हो, पहले पकड़ तो लो उसे। हे मेरे भगवान, मेरे पैसे मुझे मिल जाए ऐसी कृपा करना तुम। रुक जा रे, रुक जा रे चोर, वो मेरे जीजा जी के पैसे हैं। रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा तू। हे चंद्रा, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, 5% तो दूर, 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। अबे रुक जा, रुक जा। हाथ लग गया ना तो मैं तुझे काट डालूंगा। तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है मैं जानता हूं, भाग जा, जितना भाग सकता है भाग। क्या मेरी गर्लफ्रेंड? तुम लोगों को पता है कहाँ है वो? इंद्रा, 5% फिक्स, 5%। कहाँ मेरी गर्लफ्रेंड? चल मेरे साथ चल, चल दिखाता हूँ। बोल बे, पैसे का छिपाए नहीं तो मार डालूंगा। अरे रुक, वो पैसे मेरे जीजा जी के हैं, मेरे जीजा जी के हैं, बताओ नहीं तो मार दूंगा। लड़की के बारे में पता ये बोलकर यहाँ ले आए और अभी धोखा दे रहे हो धोखेबाज। मार दो, मार दो मुझे, मेरे लिए जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मार दो मुझे। क्या लगता है तुझे, नाटक करेगा तो छोड़ दूंगा? कहाँ है 10 लाख, बता कहाँ है 10 लाख? मेरा दिमाग खराब मत कर, जल्दी से बता दे। जीजा जी। अरे साले साहब, पैसे मिले क्या? जल्दी लेकर आ जाओ ना, सुबह से पैसों की चिंता में मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है। अरे फोन रखिए ना, ये चोर अपना मुंह नहीं खोल रहा है। हाँ? आपके पैसे मेरे पैसे हैं जीजा जी, मैं संभाल लूंगा। हाँ? अजीब इंसान है ये, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो पैसा चोरी हुआ है उसका है या मेरा। एक बार पैसा हाथ में आ जाए फिर दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। बता पैसे कहाँ हैं? सुंदर चली, जरा इसकी पैंट शर्ट खोल, जरूर इसने चड्डी में छुपाया होगा, ऐसे चड्डी चोर बहुत देखे हैं मैंने। अबे चुपचाप खड़े रहे वहां, इधर उधर हाथ डालकर अपना मूड ऑफ मत कर। देख भाई, कपड़े नहीं,
मेरी बॉडी काट काट के भी देखेगा ना तो उसमें से एक रुपया नहीं मिलना तो ये गारंटी है। सारा पैसा मेरी गर्लफ्रेंड के पास है और वो पैसा लेकर चली गई। अब वो मिलेगी तो ही पैसे मिलेंगे। इसको काट डालूंगा। अबे चुप रह। इसको तुझे तेरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, मेरे पैसे मिल जाएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड? चल। ए! मैं नहीं जाने दूंगा। इसके आगे अगर किसी ने कदम रखा तो सर कट जाएंगे। होशियार। ए, हाथ खोल। तुम लोग की तो मैं अशु। कितने इशारे किए तुम्हें? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? मैंने क्या किया? और तुम? मुझे कमा रही है। लाइफ बर्बाद करेगा? हाँ, समझते क्या आप आपको तुम? और तू? हाँ, तू? तो मुझे डराएगा? डराएगा मुझे? चाकू दिखाएगा? और तू? तू? तू मुझे काट डालेगा? हाँ, तू काटेगा मुझे? भाग यहाँ से। ओ, और तुझे पूरी पिक्चर देखनी थी ना? आ, तुझे शुरू से पिक्चर दिखाती हूँ मैं। भाग यहाँ से। शांति मिल गई ना? अगर नहीं मिली तो और मार ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो पैसा जीजा जी का है, वो पैसा कहाँ है? अबे बंदरों, उस कठपुतली ने जब तुम्हारी तरफ बैग फेंका था तुमने उसकी तरफ वापस फेंक दिया, उसी में पैसे थे मेरे। तुम्हारे पैसे तो गए, साथ में मेरे 3 लाख रुपए भी चले गए। ये क्या हो गया? हाथ में पैसा आया और मैंने अपने ही हाथों से गवा दिया। छी, अगर वो बैग ओपन कर लेते तो अपनी लाइफ सेट हो जाती बे। ओहो। अरे पैसे गए तो जाने दो आयुषु, तुम ठीक हो ना? ये बहुत है। ए, दूंगा तुझे खींच के। वो पैसे क्या तेरे बाप के हैं? मेरे जीजा जी के हैं। ए, जाकर उन दोनों को ढूंढो। जाओ जाओ जाओ। ए, हाथ निकाल, खड़े हो जाओ। रोमांस कर रहे, रोमांस। चंद्रा, पहले तू लड़की के साथ अपना काम कर ले, जीजा जी के पैसे मिलने के बाद देख लेंगे, ठीक है ना? किधर चले गए ये दोनों? कब से ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं। क्या करूं मैं, किधर ढूंढूं उन्हें? बेवकूफ बना के चले गए। अरे अंकल, जरा एक मिनट रुकिए ना। क्या हुआ? अंकल, आपने इन दोनों को इस एरिया में कहीं देखा है क्या? हाँ, देख के तो लग रहा कहीं देखा है, लेकिन इनका तुमसे क्या संबंध है? अनाथ है ये लोग अंकल जी। ओ, ऐसा मालदी में मेडिकल कैंप था, उधर सारे अनाथ बच्चों को लेकर गया था। सारे बच्चों में ये दोनों बच्चे गुम गए। सब जगह पर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले अंकल जी। वहाँ चाय वाले ने बताया कि एक चोर बुड्ढे ने मेरे लड़कों को यहाँ कठपुतली के कपड़े पहना कर लाया था अंकल जी। वो गूंगे हैं। आपने कहीं देखा है क्या अंकल जी? अरे देखा है भाई मैंने इन्हें। कहाँ? इस तरफ जा रहे थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है अंकल। थैंक यू अंकल। ठीक है बेटा, जा जा उस तरफ, जाके ढूंढ ले। मैं भी तो कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं इस तरफ जाके उनको ढूंढूंगा और पैसे कमाऊंगा। चोर बुड्ढा बोल रहा था मुझे। चोर बुड्ढा, तू चिंता मत कर डाल, मैं अभी के अभी पैसे लेकर आता हूँ। ओके ओके, बाय। चीयर्स। डॉक्टर, मुझे अर्जेंटली 5 लाख रुपए चाहिए। एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा डॉक्टर? मैं पूरी तरह आपके भरोसे हूँ। देख बाबू, मेरे साथ बिजनेस करेगा, बिजनेस की तरह ही कर। अगर हम हिसाब किताब देखें तो तुझे मुझे अभी 12.5 लाख देने बाकी हैं। लेकिन मैंने फिर भी तुझसे कोई पैसे नहीं मांगे। ऊपर से मुझे ब्लैकमेलर को 25 लाख भी देने पड़े। मत भूल इस बात को। मैंने बोला था उसको देने के लिए। उस वीडियो में सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ बाबू, तू भी साथ में है। मुझे डरा रहे हो क्या? डॉक्टर, मैं हमेशा हर चीज के लिए रेडी होता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ और तुम सिर्फ 5 लाख देने के लिए आगे पीछे सोच रहे हो। 3 मिनट का वीडियो बनाने वाले को 25 लाख रुपए दिए तुमने। तुमने फ्री में आज तक कोई काम किया क्या मेरा? मैंने पैसे दिए तभी तुमने काम किया और अब ऐसी बात कर रहे हो? मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुमने कितने पैसे बनाए हैं तुम क्या सोचते हो कि मुझे पता नहीं है?
बेचारा समझकर खामोश बैठा हूँ तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। तुम हद पार करके बात कर रहे हो बाबू, ये अच्छा नहीं है। समझ जाओ, तुम्हें इतना पैसा दे चुका हूँ वो बहुत बड़ी बात है। तुमसे कम पैसे में काम करने वाले मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। पिछले कई सालों से हम दोनों ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में पैसे को लेकर कभी कोई अनबन नहीं हुई। और आज तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। पैसे दिए तो एहसान नहीं किया, बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे तेरे लिए लड़के लाइन बनाकर खड़े हैं। ओ डॉक्टर, ये काम करने के लिए जिगर होना चाहिए, जिगर। बुला ले, कम पैसों में काम कौन करेगा मैं भी देख लेता हूँ। उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू मुझे 5 लाख रुपए देगा कि नहीं? मैं नहीं देने वाला। ओ, जाने दे, छोड़। पर इसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर, फुटेज लेकर आने वाले मेरे लड़के हैं। बाबू, 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 मेरी बात सुन। अब मैं क्या करूं? वो वहीं कहीं छुपे होंगे। अरे ठीक से ढूंढो उन्हें। ओके बॉस, ढूंढ दे। हेलो, हेलो इंदिरा। हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए। तेरा बॉस अभी अभी पैसों को लेकर मुझसे झगड़ा करके गया, तुझे याद है तूने लास्ट टाइम क्या कहा था? डॉक्टर साहब, अगर आप हाँ कहो तो मैं बॉस से कम पैसों में किडनी सप्लाई कर दूंगा। तब तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। जो तेरे बॉस को देता था वो तो तुझे दूंगा ही, साथ में और एक्स्ट्रा भी दूंगा। बोल क्या बोलता है। सोच के फोन करता हूँ आपको। वो सब ठीक है आयशु, तुम इनके बीच फंसी कैसे? आज सुबह जब तुम मुझे पैसे देकर गए तब इन लोगों को तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो गुस्सा आ रहा है ना, समझ गई क्या? वो सब तो ठीक है, तुम इनके जाल में कैसे फंसे? मैं भी तुम्हारे लिए इस धूप में घूम घूम कर थक गया था, तब आयशु मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। I'm sorry। क्या कहते थे, मैं सिग्नल हूँ और तुम मेरा मोबाइल हो, तुम्हें ढूंढता हुआ मैं आ जाऊंगा। और अब जब मैं तुम्हें इतने सारे सिग्नल दे रही थी तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तब क्या हुआ तुम्हारे नेटवर्क को? बैटरी डाउन होकर ऑफ हो गया था। सॉरी, उस वक्त मेरे मुंह में जो भी आया मैंने वो बोल दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कैसे भागेंगे? तुम चिंता मत करो, इन सबको बेवकूफ बनाने का कोई सुपर प्लान बना लूंगा मैं। ओके बॉस। किसका फोन था? तुझे किसने फोन किया था? डॉक्टर ने फोन किया था, कह रहा था कि बॉस के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए माल लेकर तू आ जा। बॉस को जो डील देता है ना, अब वो डॉक्टर मुझे देगा। तो तूने क्या बोला फिर? मैंने उसे कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा। क्यों? बॉस के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए, बुरे काम में ईमानदार होना जरूरी है। हे पागल, ये ले सुन ले। चंद्रा, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक से सुन। क्या क्यों ये मत पूछना, तेरे हाथ में जब वो फुटेज लग जाए तो इंदिरा को खत्म करके वो फुटेज लाकर मुझे दे देना। अभी पता चला क्या बॉस कैसा है? इस दुनिया में ईमानदारी से रहोगे तो झोपड़ा भी नहीं बना पाओगे, और धोखा दिया तो बंगला बना लोगे। इधर कोई भी अच्छा नहीं है। आज तुझे मारने के लिए कहने वाला कल मुझे भी मरवा सकता है, इसीलिए हमें बॉस सभी जगह ढूंढ लिया मगर वो कठपुतली कहीं नहीं नजर आए, आगे गए होंगे। ठीक है, चलो चल चलो। ए, अंदर डाली ने। ए, चलो। बॉस बॉस, गाड़ी रोकिए बॉस। क्यों, क्या हुआ? बाथरूम जाना है क्या? अरे उसके लिए नहीं बॉस, उधर देखो कठपुतली। ए जल्दी उतर, पकड़ उन्हें। ओके बॉस। उतर उतर, चल चल चल। ए रुक, ए रुक, ए ए ए रुक जा, रुक जा, ए रुक जा ना, रुक जा, रुक। ए ए
रुक। मिला क्या? क्या नसीब है। हाँ मिल गए पैसे। इंद्रा पैसा सही है ना? 3 लाख ज्यादा है इसमें। सुनो वो 3 लाख रुपए मेरी गर्लफ्रेंड के। वो कहाँ से चुराए तूने? वो चुराए हुए नहीं है, मेरी मेहनत के पैसे हैं। ओ, सच में मेहनत से कमाए हैं या ये भी चोरी किए हैं? हाँ ये चोरी नहीं की है, ये मुंबई जाने के लिए। पैसे मिलने के बाद छोड़ दोगे बोला था ना, अब जाने दो हमें। चलो छोटे रस्सी खोल दे। इंद्रा तेरे कहने पर मैं अब तक रुका था, अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कर ले, तू भाई है अपना। चलो चलते। छोड़ो मुझे। अरे भाई छोड़ दो ना भाई। पहले तू निकल, आधे घंटे में ये भी आ जाएगी। आधा घंटा क्यों? ये सब नहीं चलेगा, अभी छोड़ो उसे। ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे यहीं पर गाड़ दूंगा मैं। छोड़ो मुझे। चुपचाप लेफ्ट राइट करते हुए निकल जाए यहाँ से। भाई भाई बहुत घूम गया। छोड़ दो यार। उसके बाद तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाकर बम्बई के लिए बस में बिठा दूंगा, ठीक है ना? अभी निकल यहाँ से। भाई 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 प्लीज आप रुकिए। एक काम करो, वो 3 लाख रुपए दे दो, हम बस में बैठकर यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? आप इसके साथ कुछ मत करो, जो करना है आप मेरे साथ कर लो। छी 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 तू, ए कौन है बे तू, और तेरे पास है भी क्या करने के लिए? सुन ले, मेरा मूड ऑफ होने से पहले यहाँ से निकल जा तू, मैं बता रहा हूँ तुझे, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। नहीं भाई, बेचारी आयशु मेरे भरोसे आई है, मेरे अलावा इसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। ए, इसका दुनिया में कोई नहीं, ऐसा किसने कहा तुझसे? हम 4 लोग हैं ना, दिख नहीं रहा है क्या? फोकट में मेरा गुस्सा क्यों बढ़ा रहा है? चाकू से तेरा गला काट दूं इससे पहले निकल जाए यहां से। भाई भाई मैं मर भी जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या तुझे? छोड़ो मुझे, 5 मिनट के लिए अगर तू चुपचाप बैठेगी तो मैं अपना काम चुपचाप करके निकल जाऊंगा यहाँ से। अगर उसकी तरह मेरा मूड खराब किया तो तुझे गाड़ दूंगा। समझदारी से एडजस्ट कर ले, तुझे यहाँ बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे कुछ मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। श्री छोड़ दो मुझे, श्री। अशु को छोड़ दीजिए भाई, वो एक बच्ची की तरह है। बच्चे पैदा करने की उम्र में इसको बच्ची बोल रहा है तू? हेलो सर। श्री हटो हटो, बहुत दर्द हो रहा है क्या श्री? नहीं आयशु, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है श्री। सॉरी श्री, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर मैं तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं हूँ श्री। ऐसा मत बोलो आयशु प्लीज। हाँ श्री, तुमने जब मुझे सुबह पैसे दिए तो वो पैसे लेकर मैं भागने की सोच रही थी तुम्हें धोखा देने की, शायद भगवान मुझे इसी की सजा दे रहा है श्री, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ श्री। ऐसा मत बोलो आयशु, पैसा ऐसी चीज है जो अपने माँ बाप को घर से बेदखल करवा देता है, और तुमने अगर पैसा देख कर अपना मन बदल लिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है आयशु, कुछ गलत नहीं है। श्री तुम कितने अच्छे हो श्री, आई लव यू श्री। श्रीकंठा तुम दोनों का प्यार इतना पवित्र है ये तो मुझे पता ही नहीं था। पैसों की चाह ने तो मुझे पागल बना दिया था, वासना ने तो मुझे अंधा कर दिया था। तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल और मेरी आंखों के कचरे को साफ कर दिया है। तू अगर करेक्ट टाइम पर मेरी जिंदगी में आता तो मैं तेरे लाइफ के ऊपर एक नॉवल लिख देता। फिर भी कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, तेरे लाइफ पर एक छोटी सी कविता लिख देता हूं। तुम दोनों के प्यार के लिए मैंने कुछ करना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है।
तुम्हें तुम्हारे पैसे देकर बंबई के बस में बिठाने की जिम्मेदारी मेरी है। इतने देर तक मैंने तुम दोनों को बहुत तकलीफें दी हैं, मुझे माफ कर दो। स्वर्ग जाऊं ऐसा कभी अच्छा काम नहीं किया मैंने, लेकिन मैं नर्क में ना पहुंच जाऊं इसलिए कोई अच्छा काम करना चाहता हूं। आप रहने दीजिए, इतनी सी बात के लिए आप हाथ जोड़ रहे हैं। अभी आपको आपकी गलती का एहसास हो गया यही काफी है, हम अपना आगे का रास्ता खुद ही तय कर लेंगे। आयशु, मैंने कहा था ना ये लोग बुरे नहीं है। इंदिरा, भूल गया था, ब्लैकमेलर बच्चन ने दूसरी जगह पर आने के लिए कहा था, हमें जल्दी निकलना होगा। श्रीकंठा, इस तरफ आगे क्या? श्रीकंठा, हम मेन रोड पर तुम्हें ड्रॉप करेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना? ओके ओके, चलो चलो चलो। छोटे, बस ऐश्वर्या को ना आगे बिठा दो। ओके बस, चलो चलो आओ बैठो। श्रीकंठा। हाँ भाई। मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, उधर पीछे पड़ा होगा, देखोगे क्या? कोई बात नहीं, मैं देख लेता। आप बैठो भाई, मैं देखता हूँ ना। आखिरकार पैसा मिल ही गया। ये कमीना मरता ही नहीं है, इसके पैसे तो मैं वापस ही नहीं करूंगा। ए साले साहब, पी पीकर अभी से हार्ट वीक हो गया है, सुस्त हो गया हूँ, सोने का मन कर रहा है, मेरे पैसे मिले क्या? जीजा जी, असली हार्ट अटैक तो मैं आपको देने वाला हूँ, आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। क्या कह रहा है बे? आपके पैसे आपसे जिसने चुराए उसकी गर्लफ्रेंड है ना, वो मुंबई जाकर अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है। जीजा जी, वो पैसे लेकर गायब हो गई। ये क्या बोल रहा है बे? जीजा जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, ठीक से सुनना, जिनको पैसे दिए हैं आपने उनको लाइन में लगा दो तो आपको ज्यादा पैसे वापस मिलेंगे, वरना मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। हेलो हेलो, जीजा जी, चंद्रा, लगता है मंदिर के बाहर ही बैठेंगे। चल चल। हाँ, बस 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 बस, यहीं पे इधर ही रोक देना। बग्घी आएगी तो मैं उसमें बैठकर चला जाऊंगा। किस काम से तुम जा रहे थे ये तो मुझे पता नहीं, तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया, भगवान तुम्हें 100 साल की उम्र दे, खुश रहो। मरने जा रहा था मैं और ये 100 साल जीने की दुआ देकर जा रहा है। पेट्रोल तो है, फिर भी बाइक बंद हो गई। छे, फिर से क्या हो गया इस बाइक को, इसी समय इसको धोखा देना था क्या? क्या हो गया यार? हे मंजू, 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 कहाँ चले गए थे तुम लोग? रो मत कंटा, चुप हो जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं, अभी मैं आ गया हूं ना।
सर, आपने जो जगह बताई थी हम वहां पे आ गए हैं। आ रहा हूं। ओके सर। आ रहा है बोला। पूरे पैसे लाए हो ना? हाँ सर, आप फुटेज लेकर आए हैं ना? इंद्रा, सारे नोट ओरिजिनल हैं, पूरे 25 लाख, चाहे तो गिन लेना। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम पूरे पैसे ही लाए हो। ये लो, तुम्हारे डॉक्टर की फिल्म। मुझे एक डाउट है सर। कैसा डाउट? दोबारा ब्लैकमेल करने के लिए बैकअप तो नहीं रखा है ना? बैकअप रखने के लिए सनी लियोनी की फिल्म है क्या? चलो निकलो। अबे छोड़, अबे ए मागड़ी, तू है क्या? हेलो इंद्रा, वो ब्लैकमेलर मिला क्या? फुटेज दी क्या उसने? अरे डॉक्टर साहब, आपको ब्लैकमेल करने वाला कोई बच्चन नहीं है, वो बच्चा है बच्चा। क्या कहा, बच्चा है? हाँ डॉक्टर साहब, आपको ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं, आपके हॉस्पिटल में काम करने वाला मागड़ी है। मागड़ी? क्या कहा, मेरा मागड़ी? उसके पास इतना दिमाग था क्या? दिमाग नहीं था डॉक्टर साहब, 13 मेगापिक्सल फोन था उसके पास। फोन? उसी से उसने वीडियो शूट करके आपको लूटने का प्लान किया। अरे चिंता मत कीजिए, मैं इसे दो हाथ लगा के फुटेज लेकर आता हूँ। थैंक यू इंद्रा। ठीक है ठीक है। ए मागड़ी, मानना पड़ेगा, तेरा सिगरेट पीने का स्टाइल और तेरा जो खुराफाती दिमाग है वो। तूने बहुत अच्छा वीडियो शूट किया, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी तूने बेचारा। तू खुद को शेर समझकर अकेला आया और हमारे चंगुल में आसानी से फंस गया। ए, तू कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा ये सोचकर सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया और भागा दौड़ी में मेरे लड़कों की एनर्जी भी वेस्ट हो गई। शर्म आ रही है मुझे अब। अब हमें देखकर तुझे डर लग रहा है ना बच्चे? हाँ। तुम जैसे चूहों से कौन डरेगा? ए, अगर जान बचानी है तो बकवास करना बंद कर दे। तुझे संभालने के लिए हमारे चेले काफी हैं। अब तू अपनी जान बचा हमसे। अगर तुझ में हिम्मत है तो आकर सामना कर ले हमारा। Hey!
ए छोटे, तेरा और मागड़ी में क्या कनेक्शन है? मागड़ी को फोन देकर उसकी हिम्मत बढ़ाकर वीडियो बनाने के लिए कहने वाले हमें है बॉस। आप जो पैसे देते थे उससे हमारा पेट भी नहीं भरता था बॉस। गुरु को ही बेवकूफ बना दिया तूने। गुड, थैंक यू बॉस। एक सलाह देता हूँ, फोकट में टाइम बर्बाद मत करो, हम चलते हैं बॉस। ए! तुम लोगों को माफ कर दिया है, चुपचाप वो पैसे देकर यहाँ से निकल लो। बॉस फोकट का टाइम किल मत करो, नहीं तो मजबूरन हमें आपको किल करना पड़ेगा बॉस। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चले जाओ बॉस। ए! तू हमें क्या किल करेगा, किल तो हम तुझे करेंगे। आजा, हम भी देखें तुम्हारी ताकत। उठ, हमें मारेगा? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, माफ कर दो बॉस। मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम लोग अभी अभी जमीन पर हो, दोबारा नजर आए तो उड़ा डालूंगा। मुझसे गद्दारी करेगा, मुझसे? ले, ए, ए, रुको, धोखे बॉस कहीं के? ए, रुको, मेरी आयुषु को लेकर बचाओ, रुको, मैंने कहा रुको, ए, मेरी आयुषु को छोड़ो, उसे लेकर बचाओ, छोड़ो उसे, ए, चंद्रा, डॉक्टर का फोन है। बोलिए डॉक्टर साहब। हेलो इंद्रा, फुटेज लेकर आ रहे हो ना तुम? मैं लेकर आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप 1 करोड़ तैयार रखिए। हाँ, 1 करोड़? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? वो तो आप जानेंगे। तुम अब मुझसे भी मजाक करने लग गए क्या? हम कॉमेडी करने के मूड में नहीं है डॉक्टर, हम कमाने के मूड में हैं। तुम जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल, अगर हमें 1 करोड़ नहीं मिले तो आपको वीडियो नहीं मिलेगा। हम आपके वीडियो को 8 चैनल, 8 दिन, 8 घंटे TRP के लिए दिखाएंगे। ठीक है ना डॉक्टर साहब? प्लीज इंदिरा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी परिस्थिति को समझने की परिस्थिति में हम नहीं है डॉक्टर। फुटेज चाहिए तो 1 करोड़ रेडी करने के बाद हमें कॉल करना, समझा? हम तेरे कॉल का बेसब्री से इंतजार करेंगे। बाय। हेलो, हेलो। अरे यार, सब एक जैसे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, पैसा पैसा पैसा। क्यों ये सजा दे रहे हो? मैंने बहुत ही ईमानदारी से मेहनत किया है, आज मैं 1 रुपये भी नहीं जुटा पा रहा हूं, खाली हाथ मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊं? मैं पैसे लेकर आऊंगा, इस भरोसे पर मेरी बीवी हॉस्पिटल में मेरा इंतजार कर रही है, उसको कैसे मुंह दिखाऊं? किसी भी माँ बाप को उसकी आंखों के सामने उसकी बच्ची की मौत का श्राप मत देना भगवान। मैं अगर अपनी बेटी को नहीं बचा पाया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। सर, 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 मेरी गर्लफ्रेंड का कुछ बदमाश उठाकर ले गए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अरे मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया तो तेरी लवर को कैसे बचा पाऊंगा? ऐसा मत कहिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं सर, प्लीज सर, प्लीज आकर बचा लीजिए उसे।
मेरी बेटी को बचाने की शक्ति उस भगवान ने नहीं दिया, लेकिन मेरे मरने से पहले एक अच्छा काम हो जाने दो, मैं ट्राई करूंगा। चलो। इंद्रा, पीछे देख ले जरा। दो हीरो दो विलन को एक हीरोइन के लिए डुकाटी बाइक से चेस कर रहे हैं। एकदम फिल्मी सीन है। सर, इतने फास्ट मत आओ सर, नहीं तो हम फंस जाएंगे सर। हाँ बे राजा, जल्दी आ जा, इतनी है क्या तेरी ताकत? आजा आजा, थोड़ा सा जल्दी आजा। दिक्कत दिक्कता दिक्कता। बाय बाय, आजा जल्दी आ। ए हे ए हे ए हे। माँ लक्ष्मी देवी, हम दोनों के साथ ऐसे ही बने रहना। ऐशु, तू भी ऐसी हमारे घर में खेल खेलते रहना। हाँ, हमारी ऐशु को फुल जोश आ गया है, उसका हीरो आकर बचाएगा इसे। सर, थोड़ा फास्ट चलिए ना सर। रोक दूं क्या? रोकता हूं, आजा। आप रुक क्यों गए? ऐसे हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, इस तरफ से चलते हैं हम। सर, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, दिखता ना। ये लोग तो हमसे पहले ही यहाँ पहुंच गए हैं, अब क्या करेंगे हम लोग? मन तो कर रहा है मैं खत्म कर दूं उन दोनों को। तू देख, अभी जिस स्पीड से मैं गाड़ी चलाऊंगा उससे गाड़ी के साथ बॉडी भी उड़ जाएगी। जेम्स बॉन्ड के पास तो गन भी है यार। डॉक्टर साहब, काउंटर पे पैसे भर दिए, जल्दी से ऑपरेशन करके बच्ची को बचा लो प्लीज। ओके, डोंट वरी, आपकी बेटी की जिम्मेदारी हमारी। थैंक यू डॉक्टर। सर, एक सवाल है आपसे, किडनी चोरी करने वाले गैंग को आपने कैसे पकड़ा? देखो बाबू, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ओके डॉक्टर। तुम लोगों के कहने पर मैंने ये सब किया और मेरी धुलाई हो गई। Oh
हे भगवान, मेरा ब्लैक मनी व्हाइट होके मेरे पास आ गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। आयशु, अभी आधे घंटे में बस स्टॉप पे जाना होगा। क्यों श्री? मुंबई जाने के लिए बस की टिकट बुक की है। नहीं श्री। क्यों आयशु? मुंबई जाने का मन नहीं है। मुंबई जैसे शहर में जाने की इच्छा में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है श्री। सॉरी श्री, सोने जैसे बैंगलोर में बिताए हुए बुरे दिन भी अब अच्छे लगने लगे हैं। और फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी लाइफ में तुम्हारी वाइफ बनकर रहूंगी तो सब दिन अच्छे होंगे। सच में आयशु? I like it, I love you, आयशु। उस लोफर की बात सुनकर मैं रास्ते पर आ गया। मुझे उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। वो कहते हैं ना, ज्यादा लालच बुरी बला है। आज मैंने ये बात महसूस कर ली।